तो फिल्मोरा में हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को किस तरह से उसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट करते हैं, आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहां से एक प्रोजेक्ट को ले लेता हूं और इस प्रोजेक्ट में मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन और यहां जाने के बाद आपको यहां पर ढेर सारा लोकल डिवाइस दिख रहा होगा, जैसे कि लोकल है, डिवाइस है, यूट्यूब है, आप किस में सेव करना चाहते हैं। इसके जस्ट नीचे में आपको ढेर सारा फॉर्मेट दिख रहा होगा, तो सबसे बेस्ट जो फॉर्मेट होता है वो मेरा होता है MP4। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट का एक नाम दे देना है और नाम देने के बाद आपको इसमें कहाँ पे सेव करना है वो लोकेशन आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट में आपको डिफ़ॉल्ट ही रख लेना है, या तो आप लोग कस्टम भी कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इसको डिफ़ॉल्ट रखना है। सेटिंग में आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन चीज़ दिख रहा होगा, लोअर, रिकमेंडेड और हायर, तो आपको यहाँ पे हायर पे रख लेना है और यहाँ से आपको एक 30 या तो 50 FPS चुन लेना है, क्योंकि यही दो बेस्ट होता है। तो मैं अभी यहाँ से 30 चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको इनकोडर में H.264 को रख लेना है, क्योंकि सबसे बेस्ट यही होता है। उसके बाद यहाँ पर बिट रेट आप लोग जितना ज़्यादा रखेंगे उतना आपका MB बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे चैनल पे आपको इसको स्टीरियो रख लेना है। सिंपली इसको मुझे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि 920x1080 रखिए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट होता है। आप लोग इसको 4K 2K में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा में आप लोग सेव कीजिएगा उतना ज़्यादा MB आपका चलता चला जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइज आपका कितना बनने वाला है, ड्यूरेशन कितना है और यहाँ पे जो इनेबल GPU है इसको आपको टिक कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एक्सपोर्टिंग टाइम है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, तो यहाँ पर एक्सपोर्टिंग होना आपका शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा फाइल रहेगा, जितना बड़ा फाइल रहेगा उतना इसमें टाइम ले लेगा। और यहाँ पे देखिए मेरा ये तुरंत जो है वो फाइल मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है और उसके बाद इसको मुझे यहाँ से ओपन फोल्डर कर लेना है। अब यहाँ से मैं इसको ओपन फोल्डर पे क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद मेरा ये लोकेशन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा ये सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से।